नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टर न्यूज। बैराज ओस्ती संघर्ष कमेटी जैनी जुगियाल के सदस्यों ने आज जुगियाल के बैंक चौक में एक पटवारी का पुतला फूंक कर धरना प्रदर्शन कर उक्त पटवारी के विरुद्ध विभागीय व पुलिसिया कार्रवाई करने की मांग की। उनके अनुसार पटवारी ने गैर कानूनी ढंग से अपने रिश्तेदार को नौकरी व मुआवजा भी दिलवाया है व अन्य लोगों को भी नौकरी दिलवाई है, जिसकी एसटीएम द्वारा इंक्वायरी भी की जा चुकी है। पेश है संबंधी टीम एक्टर न्यूज की एक रिपोर्ट। मद्रम पटवारी मुर्दाबाद, मद्रम पटवारी मुर्दाबाद, मद्रम पटवारी ने चुनते मुर्दाबाद, मद्रम पटवारी मुर्दाबाद, मद्रम पटवारी मुर्दाबाद। ये जड़ा रोष प्रदर्शन है साडे जड़ियां बराज उसकी जमीन 1993 में अक्वायर हो गई थी। उस टाइम सरकार ने साडे नाल वादा किया कि जो भी टाइम का काम शुरू होगा आप एक इंतकाल से एक नौकरी देवे। जो 2013-14 डैम का काम शुरू होया ते इन्होंने एक नवी पॉलिसी बना ली जो पंजाब सरकार की परमिशन तो बगैर ते उस तो बाद जो आप नौकरी लैन गए तो उस तो अफसर ने सू बोलिया कि तुम्हारी परसेंट ही नहीं बनती, आप पॉलिसी बनाई है। उस तो बाद आप बाहर आ गए तो आप उस तो बाद 5-6 साल धरने मारे है तो एस डी एम साहब ने इंक्वायरी की थी जिदे 50 बंदे गलत पाए गए। अज इस गल न 2 साल हो गया वह बंदे ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस तो बाद जे गल की जाए तो पटवारी मदन ने अपने रिश्तेदार जैली डॉक्यूमेंट तैयार करके पिंड राजपुरा के आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के ओनू नौकरी दवाई है। साडी जमीन 10-10 किले गई है, सानू किले की पिंड 25,000 रुपया हुई है। पटवारी मदन के रिश्तेदार ना कोई घर गया ना कोई जमीन गई, 1,87,000 रुपया पिंड हुई है ओनू। अज 90 दिन हो गए कोई परचा नहीं दर्ज होया। एस एस पी ने दरगाह दी सी साढ़े 10-10, 20-20 किले प्यालियां गई ने। इन्होंने 2 नंबर च अपने बंदे रखे ने, मजारे रखे ने इन्होंने बगैर जमीन तो। एस डी एम साहब ने इंक्वायरी की है जे 420 का परचा नहीं दर्ज होंगे 10 तरीक तो बाद आप कि टावर से चढ़ जाने तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, आप चढ़ना है।